ऋषिकेश गंगा माँ की गोद में बसा हुआ है, जो कि तपोभूमि के नाम से विख्यात है। ऋषिकेश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। गंगा अपनी तेज बहाव और लहरों के साथ यहाँ बहती है, जो कि रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत सहायक होती है। इसलिए गंगा के सहारे काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है। उन्हीं में से एक हैं 39 वर्षीय विजेंद्र पवार, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को खास तरह की सुविधा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में उन्हीं से। नमस्कार, मैं विजेंद्र पवार। मेरा अभी तो वर्तमान में ऋषिकेश में रह रहा हूँ। मेरा जो मूल स्थान है वो उत्तरकाशी में यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, और वो मेन मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो प्रॉपरली जो स्थान पड़ता है ऋषिकेश, जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे एक बड़ेथी नाम की जगह है, वहाँ से जो है 15 किलोमीटर आगे है। और पूर्व में ये स्थान यहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल रास्ता हुआ करता था, जब हम छोटे थे, जब ग्रामीण परिवेश में रहते थे। 18 किलोमीटर पर दिन की दूरी तय करनी पड़ती थी। और उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज राज के इंटर कॉलेज डुंडा से किया, ये मुख्य मार्ग पे ही स्थित है। और यहाँ करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन राज के उच्चतर महाविद्यालय उत्तरकाशी से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन टूरिज्म में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से किया। श्रीनगर से करने के बाद मैंने कुछ मुंबई और दिल्ली में कुछ समय के लिए नौकरी करी, और उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट अलग हुआ था। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि रैन बसेरा पर्यटक अतिथि गृह उत्तराखंड के अंदर निर्मित थे, ये ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ में थे। तो उत्तराखंड सरकार ने एक स्कीम बनाई कि आपको जो है ये रैन बसेरा चलाने हैं और ये लीज में चलाने हैं। इसका हम लोगों को लीज, जो ये यहाँ पे अभी गेस्ट हाउस है, इसका लीज हम लोगों को प्रतिमाह देना पड़ता है। यहाँ पे जब हमने ज्वाइनिंग किया तो उसके तत्काल पास इस वातावरण में देखा कि यहाँ पे राफ्टिंग का बड़ा अच्छा स्कोप है, और मैंने भी आवेदन किया इसके लिए, राफ्टिंग के लिए। और राफ्टिंग की हमने 2 राफ्टें डाली, अभी मेरे पास 4 राफ्टें हैं। तो राफ्टिंग के साथ साथ फिर हमने ठीक रहा तो फिर कैंपिंग का भी व्यवसाय शुरू किया। शिवपुरी में हमारा कैंप भी है, और अभी मैंने 2010 में एक इसके साथ साथ देखा, यहाँ पे जब हमारे पास रहने की व्यवस्थाएं थोड़ा कम पड़ती थी, तो एक होटल सिवान सिंह के नाम से तपोवन में बनाया, उसमें 15 कमरे हैं। वहाँ पे योगा भी हम लोग मैं संचालित करवाता हूँ, और सुबह प्रतिदिन जो मेरी दिनचर्या है, सुबह 6 बजे उठ के मैं मॉर्निंग वॉक और योगा करता हूँ 8 बजे तक। और उसके बाद यहाँ पे देखने के बाद फिर घर जाके ब्रेकफास्ट करके फिर अपना ऑफिस आते हैं। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं राफ्टें कितनी जानी हैं, गाइड और ड्राइवर्स सब, अपना स्टाफ और क्लाइंट कहाँ से आने हैं। यहाँ पे जैसे हमें होटलों से क्लाइंट उठाने पड़ते हैं, कुछ होटल 1 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, तो वहाँ पे गाइड और वहाँ के होटल के स्टाफ से सब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। गाइडों को कोऑर्डिनेट पड़ना है कि उस गंतव्य स्थान तक राफ्ट पहुँची, कैसे पहुँची, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो लोग राफ्ट में बैठे चले, सेफ्टी क्या है, ये सारा पूरा फॉलोअप करते रहना पड़ता है। तो इसके लिए हमने टीम रखी हुई है, लेकिन इसको हमें प्रॉपर अपने आप माइंड में रखना पड़ता है कि क्योंकि ये बहुत कॉस्टली चीज़ें, राफ्ट पैडल है, एक पैडल 3000 रुपये का आता है, जैकेट है 2000 की आती है। अब क्या कि यहाँ पे कंपनियाँ बहुत सारी है, रिवर एक है, छोटा स्ट्रेच है, तो इसमें जैसे बंजी जंपिंग का, राफ्टिंग वो क्लिप जंप का पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर जो है सामान इधर उधर होने का डर रहता है। तो उस पर हम अपने गाइडों को प्रशिक्षित करते हैं कि इन चीज़ों को आपको टेक केयर कर, क्लाइंट को स्विमिंग भी कराएंगे, राफ्ट आप इक्विपमेंट भी जो है संभाल के रखेंगे, सबको हैप्पीली होके वापस लाना है। और इवनिंग को 8-9 बजे मैं अपना ऑफिस से यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ, और 11 बजे सो जाते हैं। 2001 में मैंने रिवर राफ्टिंग का कोर्स किया था शिवपुरी से 7 दिन का। उस समय इसका रोमांच को देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये शरीर के लिए अच्छा है, फिजिकली फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो जब यहाँ पर ऋषिकेश में अपॉर्चुनिटी मिली एक गेस्ट हाउस, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये राफ्टिंग का करना ही चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार, उसके तहत लोन लिया 6 लाख रुपीज़ का 2007 में, और उसके बाद 2 राफ्टें डाली। और राफ्ट डालने के पश्चात राफ्टिंग का काम अच्छा होने लगा, फिर 2 राफ्टें और ली,
और इसमें करीब 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है 4 राफ्टों में। इसके साथ 2 गाड़ियां भी हमारे पास है। 15 लाख रुपए का टर्नओवर एक साल में हो जाता है। इसमें 4-5 लाख रुपए की सेविंग निकल जाती है। इसमें बहुत अच्छे सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। इसमें छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं। अब नाम गिनने लगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे अक्षय कुमार, इमानी सिपुरी और प्रियंका गांधी और तमाम हस्तियाँ उद्योग जगत से और फिल्मी जगत से भी लोग यहाँ पे आते हैं। कैंपिंग के क्षेत्र में भी ऐसे ही है, क्योंकि ये गंगा जी के किनारे हैं, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। वहाँ पे रात का जो बड़ा सुंदर दृश्य होता है, वहाँ पे कैंप फायर होती है, वहीं पे खाने की व्यवस्था, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, और वहाँ पे जो है पहाड़ों की ट्रैकिंग करवाते हैं, वहीं पे रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं, रात को कैंप फायर में करवाते हैं। वहाँ पे लाइट्स नहीं होती है, वहाँ पे लालटेन जलाई जाती है, बिजली की कोई सुविधा ही नहीं होती है। 1994 की बात है, उत्तराखंड आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, सभी स्कूल कॉलेज सब बंद थे, दुकान पे बैठ जाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे। तो दैनिक जागरण की एक नहीं राय नाम से पेपर आता है, उसमें लिखता था कि घूमने के साथ साथ भविष्य संवारिए और पैसे भी कमाइए। तो उसमें पढ़ा होटल के बारे में, टूरिज़्म के बारे में, लेकिन फिर ये कोई वो नहीं था कि ये किया कहाँ से जाए। उस पर नाम थे, एड्रेस थे, लेकिन फिर उसके लिए तो फिर ग्रेजुएशन की सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। यहाँ पे गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जो है एक साल का पर्यटन में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद ट्रैवल एजेंसी में जॉब भी लग गई, मुंबई में भी लगी, दिल्ली में भी लगी, सारे काफ़ी घूमे भी। कस्टमर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तो हम किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि किसी की लाइफ कोई सुरार का खिलवाड़ हो। तो उसके लिए हम पूरा इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं और उसके हमारे ट्रेनर गाइड होते हैं। राफ्टिंग चलने से पहले हम क्लाइंट को पूरा ब्रीफिंग करते हैं कि आपका मेडिकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है राफ्टिंग के दौरान, हार्ट, अस्थमा, इन चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और फोबिया नहीं होना चाहिए वाटर का। राफ्टिंग के अलग अलग पॉइंट्स हैं। इसमें जो 15 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको हम 9 किलोमीटर का स्ट्रेच कराते हैं, ब्रह्मपुरी कहते हैं उसको। उसमें 2 घंटे की दैत दूरी होती है राफ्टिंग के दौरान। फिर सेकंड है शिवपुरी, ये 17 किलोमीटर का है। इसमें 18 साल से ऊपर के बॉयस को अलाउ किया जाता है और उसके लिए थोड़ा स्विमिंग होना है तो अच्छा रहता है, ज़्यादा सेफ्टी रहता है और फिजिकली फिट होना है। वेट 80 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसमें 55 मोर देन नहीं होना चाहिए। फिर इसमें 6 रैपिड आते हैं गंगा जी के अंदर, जो जिनमें रोमांच पैदा करते हैं। थर्ड वन इज़ द 27 किलोमीटर मैरिन ड्राइव है, 5 आवर्स इसमें टोटल अप एंड डाउन विथ ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इंक्लूडेड। इसमें बिल्कुल यंग लोगों को ही अलाउ किया जाता है। इसके अलावा फिर फोर्थ जो स्टेज आता है कोडियाला, ये 36 किलोमीटर का है। इसमें 7 and 8 hours का जर्नी है, इसमें 12 रैपिड्स आते हैं। मेमोरीज तो डेली हम लोगों के टाइम उसमें तो डेली नया होता है, हर दिन नया टूरिस्ट आता है, हर दिन नया आदमी आता है, हर दिन नया काम होता है, हर दिन नया चैलेंज होता है। तो सब मेमोरीज हैं। आप भी आए हैं, ये भी आज एक नई मेमोरी है, इंटरव्यू दें भी नई मेमोरी है। भाई गए होटल है जैसे, तो होटल में जो है और अच्छी सर्विसेज दी जाए, चेंजेस किए जाएँ टूरिस्ट का, क्योंकि टूरिस्ट की डिमांड बदलती रहती है। टूरिस्ट जो है सब कुछ नया चाहता है। जो होटल 20 साल पहले होते थे, आज जो उस समय के बहुत अच्छे होटल होते थे, वो आज के जो है बिल्कुल एकदम गेस्ट हाउसेस हैं। जो आज के होटल बन रहे हैं वो 5 साल बाद वो अलग चेंज, उन सब उनका रूम्स का अलग चीज़ आएगा, डिज़ाइन अलग आएंगे। तो जो भी है इनको चेंज करना पड़ता है। मेरी जो बेसिकली हॉबी, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है और बिजी रहना, काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर प्लान तो है कि रेस्ट करना है, बहुत साल हो गए, 20-25 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल की उम्र में ही काम, 18 के जब बचपन में हम तो पहाड़ के रहने वाले हैं, गांव में ही सब प्रकार के काम करते थे, चाहे उसमें हल लगाना हो, भेड़ बकरियों के साथ जाना हो, लकड़ी काटना हो, सब कुछ किया है बचपन में। तो इसीलिए आज भी काम करने की तो पूरी आदत बनी है। अभी 39 ईयर ओल्ड हूँ, अभी 4-5 साल काम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे आराम से घूमेंगे, ज़्यादा बिजी नहीं रहेंगे, योगा मेडिटेशन थोड़ा सा करेंगे अपना शारीरिक रूप से फिजिकल फिट रहने के लिए।
मेरी वाइफ है, दो बच्चे हैं। मेरी वाइफ भी जॉब करती है, वो टीचर है ज्योग्राफी की। एक मदर है, फादर तो डेथ हो गई है, ब्रदर है वो गांव में रहते हैं, मदर कभी यहाँ पे रहती है कभी उत्तरकाशी में रहती है। मॉर्निंग वाइफ 8 बजे चली जाती है, 5 बजे आती है, दिन में बच्चों को स्कूल से लाना भी मेरी ड्यूटी रहती है 1-2 बजे। एक 3-4 साल की है और एक 10 साल का बच्चा है। फैमिली का जो वह उनका जो दृष्टिकोण है राफ्टिंग के प्रति, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं ये काम बड़ा रिस्की है, इसमें कुछ हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए, इस बिज़नेस को बंद कर दीजिए, ठीक है हमें नहीं चाहिए, और ना वो खुद राफ्टिंग करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अपने आप इस चीज़ का एक बिजी रह जाते हैं, इसलिए इसको बिजी के साथ साथ अर्निंग भी हो जाती है, इसलिए इसको आगे कर रहे हैं। ना कुछ हासिल होता है बिना मेहनत के, उसी तरह कुछ भी असंभव नहीं जब जज्बा हो हासिल करने का और करे मेहनत उसे पाने की। इसकी जीती जागती मिसाल हैं श्री विजेंद्र पवार।